गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा चार की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 20 मनुष्य और पक्षी का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि मनुष्य और पक्षी का आपस में क्या संबंध है, किस प्रकार पक्षी जो होते हैं वो मनुष्य के जीवन में किस प्रकार सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा पाठ 20 मनुष्य और पक्षी ये कहानी है और देखते हैं कि किस प्रकार जो हमारा वातावरण है, जो हमारा जीवन में जीवन है, उसमें पक्षी की क्या महत्ता है और किस प्रकार ये दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। ठीक है, पक्षी हमारे वातावरण का एक अनिवार्य भाग है। इसके विषय में जानने की उत्सुकता को इस पाठ के माध्यम से पूरा करने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है बच्चों, पक्षी और मनुष्य का संबंध सदियों पुराना है। ठीक है, जो मनुष्य और पक्षी हैं उनका जो रिलेशन है वो आज का नहीं है, ये वर्षों से चला आ रहा है, सदियों पुराना है। यही कारण है कि जाने अनजाने हमारी लोक संस्कृति, लोक कलाओं, लोकगीतों, लोकोक्तियों और लोक साहित्य में पक्षी हमसे अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं हमारी लोकोक्तियाँ हुई, हमारी जो लोक कथाएं हैं, लोक गीत हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है उसमें कहीं ना कहीं पक्षियों का वर्णन जरूर मिलता है। वहाँ पे वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में आ ही जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने गीत सुना है, पंछीड़ा गीत है, उसमें पंछी के बारे में कहा गया है। जो हमारी चित्रकला है उसमें विशेष रूप से पक्षियों का स्थान दिया गया है। ठीक है, तो पक्ष जो साहित्य, लोक साहित्य में पक्षी हमसे अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। बच्चों को तो पक्षी विशेष रूप से आकर्षित करते हैं क्योंकि वह अनोखा काम कर सकते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता। यानी वो क्या है, वो उड़ सकते हैं। क्या इंसान उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता, क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं है और पंछियों के पास क्या है, पंख है, इसलिए वो उड़ सकते हैं। बालक का कौतूहल भरा मन पक्षियों को उड़ते हुए देखता है तो हैरानी से भर उड़ता है। तो बच्चे का मन भी शायद यही करता होगा कि काश मैं भी पक्षी की तरह आकाश में उड़ूं। चिड़िया की चहक, कोयल की कुहू, कोए का काव काव करना, मुर्गी की कुकड़कु की बाग और कबूतर का गुटुरगु बोलना आदि वे आवाजें हैं जिनसे बच्चे बचपन से ही परिचित हो जाते हैं। हम कहते हैं ना, बच्चे देखो, देखना कभी आप हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, हम उस बच्चे को खिला रहे हैं, फिर हमें कोई चिड़िया दिखाई देती है तो हम कहते हैं बच्चा चीची आ गई, क्योंकि चिड़िया चीची बोलती है। तो बच्चा बचपन से ही इन पक्षियों की आवाज़ों से परिचित हो जाता है। फुदक फुदक कर इठलाने वाली गौरैया हो या कर्कश आवाज में काव काव करने वाला कौवा, दोनों ही बच्चों के सहज आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। संभवतः कौवा मानव के सबसे निकट है। यह भी मनुष्य की तरह ही वर्षा की प्रतीक्षा करता है क्योंकि वह पानी में नहाना पसंद करता है। मनुष्य की तरह कौए में भी कई गुण और अवगुण हैं। यही कारण है कि हमारी लोक कथाओं में कौए से जुड़ी अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। तो बच्चों, शायद आपने सुनी होगी, एक प्यासा कौवा था, ठीक है, घड़े में पानी कम था। तो ये बहुत पुरानी एक कहानी है जो हम इसको सुनते आ रहे हैं, तो आपने भी सुनी होगी। उदाहरण के लिए एक और प्यासे कौए की कहानी है, जहाँ कौवा बुद्धिमान नजर आता है और वैज्ञानिक सोच का प्रयोग कर कंकड़ डालकर पानी का तल ऊपर लाकर पानी अपनी वो क्या करता है, प्यास बुझा लेता है। वही दूसरी ओर वही कौवा किसी कहानी में इतना मूर्ख नजर आता है जो लोमड़ी द्वारा झूठी प्रशंसा किए जाने पर गाना गाने के लिए मुंह खोलकर अपनी रोटी ही गंवा देता है। तो एक जगह पे तो क्या है, कौए को क्या बुद्धिमान दिखाया गया है और दूसरी कहानी में कौए को क्या किया है, मूर्ख बताया गया है। यही कौवा कभी कभी इतना भोला और सीधा नजर आता है जो कोयल के अंडों को अपना समझकर उनकी देखभाल का करता है। आपने कहानी सुनी होगी कि जो कोयल और जो कौवा होता है उनका रंग कैसा होता है, दोनों ही काले होते हैं। तो कोयल बड़ी चालाक है, वो अपना घर नहीं बनाती, तो वो क्या करती है, जब उसके अंडे देती है तो अंडों को ही छोड़ के आ जाती है, कहाँ पर, कौए के घोंसले में। वो बेचारा पहचान नहीं पाता, बहुत सीधा साधा बताया गया उसको कि भूला वाला, उसको ये भी पता नहीं चलता कि ये अंडे उसके हैं या फिर ये कोयल के हैं।
और जो फिर जो कौवा है वह क्या करता है, उन बच्चों अंडों में से बच्चे निकलते हैं, फिर उनकी देखभाल भी करता है, और बाद में कोयल अपने बच्चों को ले जाती है। कोए की काँव काँव की कर्कश बोली के कारण ही लोग प्राय बेवजह चिल्लाने वालों से उठते कह उठते हैं, क्यों कोए की तरह काँव काँव चिल्ला रहा है। क्योंकि जो कोए की थोड़ी आवाज़ होती है वो कर्कश होती है, मीठी नहीं होती। जैसे कोयल की आवाज़ तो मीठी होती है, किंतु जो कोए की आवाज़ है वह कानों को चुभने वाली होती है। वहीं पर सुबह सुबह यदि कोए घर की मुंडेर पर या दीवार पर बैठकर काँव काँव करें तो हम कहने लगते हैं कि यह अतिथि के आने की सूचना दे रहा है। ये क्या चली आ रही पूरी किदवंतियां हैं जो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कोए की तरह चूचू ची से अपनी उपस्थिति का आवाज कराती है गौरैया। गौरैया से हम इतना जुड़े हैं कि साधारणतः गौरैया को चिड़ियों का पर्याय ही मान लिया जाता है। गौरैया को हम इतना महत्व देते हैं कि कविता और गीतों से प्राय उसके नाम के साथ रानी भी जोड़ देते हैं। आपने देखा हमारे घरों पर जो चिड़िया आती है वही गौरैया कहलाती है, ठीक है। तो हम चिड़िया को क्या कहते हैं, रानी। चिड़िया रानी क्यों हरदम करती मनमानी, किंतु आंगन में आकर फुदकने मटकने वाली गौरैया, घर घर में जाकर घोंसा बनाने वाली गौरैया अब बहुत कम नजर आने लगी है। तो सच में ये है कि जो पक्षी हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो आजकल चिड़िया भी कम दिखाई देती है। इनकी संख्या में तेजी से कमी आती जा रही है, जो हम सभी का चिंता का कारण है। वास्तविकता तो यह है कि आज सभी छोटे पक्षियों की संख्या घट रही है और उनकी जगह बड़े पक्षी ले रहे हैं, लेकिन प्रकृति में संतुलन के लिए दोनों प्रकार के पक्षियों की उचित संख्या होना जरूरी है। यदि हमें प्रकृति में संतुलन को बना के रखना है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि छोटे पक्षी भी उतने ही हों और बड़े पक्षी भी उतने ही हों। यदि छोटे पक्षी समाप्त हो जाएंगे और बड़े पक्षियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो संतुलन क्या है, समान नहीं रहेगा, वह असंतुलित हो जाएगा। जिस पक्षी की हम लगातार संख्या बढ़ती हुई देख रहे हैं वह है कबूतर। आए दिन देखोगे तुम आपके रोशनदान पे, आपकी खिड़कियों में कहीं ना कहीं कबूतर आपको दिखाई ही दे जाते हैं। घरों में जहाँ भी नज़र डालें, खिड़की आलों या रोशनदान में हमें गुटुरगू करते कबूतर का कबूतर जरूर नज़र आ जाएंगे। कबूतर भी मनुष्य से निकटता से जुड़ा हुआ है। यह पत्रवाहक के रूप में तो वह ना जाने कब से मानव की सेवा कर रहा है। बहुत समय पहले क्या होता था, कबूतर को क्या कहते थे, डाकिया माना जाता था, क्योंकि कबूतर क्या काम करता था, एक जगह से पत्र ले जाकर दूसरी जगह पहुंचाता था। तो वो कौन है, पत्रवाहक के रूप में प्राचीन काल से ही वह जाना जाता है। कहा जाता है कि कबूतर कर्तव्य निभाने में इतने पक्के होते हैं कि आंधी तूफान में इन्हें अपने कर्तव्य से दूर नहीं कर सकते। कबूतरों को शांति के दूत के रूप में, मैं प्रेम के प्रतीक के रूप में और एकता के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। अतः कबूतर को क्या गया है, शांति दूत कहा गया है। कबूतरों की एकता का उदाहरण वह प्रसिद्ध कहानी है जहाँ एक डाल में फंसने के जाल में फंसने के बाद सारे कबूतर उस जाल को उड़ाकर ही ले जाते हैं, क्योंकि उनको उपाय नहीं सूझता। तो वो कैसे, हमें किस प्रकार शिकारी से बचा जाए, सारे शिकारी क्या होता है, जाल पर दाना डाल देता है और जो कबूतर है उस जाल पर दाना चुगने के लिए आ जाते हैं और जाल में फंस जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, सारे एकता की शक्ति दिखाते हैं और सारे एक साथ जोड़ लगाने के बाद अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उस जाल को ही उड़कर चूहे के पास ले जाते हैं और चूहा उसको काट देता है। मनुष्य के साथ एक और पक्षी भी जुड़ा है जो सुबह सुबह जगाने का काम करता है। कौन है बच्चों, वह पक्षी आप जानते ही होंगे, सुबह सुबह कौन जगाता है इंसान को, वो है मुर्गा। वह मुर्गा है जो पौ फटते ही कुकड़ कुकी बाग देकर सबको उठाता है। शहरों में आजकल मुर्गे कम नजर आते हैं, पर गांवों में जगह जगह मुर्गी व चूजों के साथ नजर आ जाएंगे। मुर्गी की लाल लाल कलगी और अकड़ वाली चाल ऐसी लगती है मानो एक थानेदार हो जो अकड़ अकड़ कर चल रहा हो। उठो उठे सोए हो क्यों, कुकड़ कू भाई कुकड़ कू, ठीक है। तो मुर्गा की चाल कैसे लगती है, जैसे कोई अकड़ को कोई थानेदार चल रहा हो। यदि मुर्गी की विशेष आवाज कुकड़ कू है तो कोयल की आवाज की विशेषता उसकी कुहू कुहू की मीठी तान है। कोयल की मीठी आवाज़ क्या बड़े क्या बच्चे सभी का मन मोह लेती है। कई बार बच्चे जब कोयल की नकर निकालते हुए स्वयं ही कुकू करने लगते हैं तो कोयल खुद भी कुहू कुहू उनका जवाब देती है। बच्चे प्रायः ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किस पेड़ में छिपकर किस डाल में बैठकर कोयल गा रही है। हम देखते हैं ना कि कोयल कहाँ से दिख रही है, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देती। इसी तरह पेड़ों के हरे भरे जो हरे हरे पत्तों के पीछे
तोता भी स्वयं को छिपाए रखता है। अब तोते का रंग भी हरा होता है और पत्तियों का रंग भी हरा होता है, तो उनके बीच में क्या होता है, हमें तोता दिखाई नहीं देता। तोते अपने हरे और लाल रंग की चोंच के कारण बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और शिकारी प्राय उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। तोते की मनुष्य की तरह बोल सकने वाली क्षमता भी उन्हें आकर्षण बनाती है। प्राय लोग उन्हें घरों में पालना पसंद करते हैं। तोता यदि बोलना शुरू कर दे तो वह सुनता ही वही दोहराने लगता है जो हम कह रहे हैं, इसलिए तोते को क्या कहते हैं, रट्टू तोता कहा जाता है। जैसा मैंने बोला वो वैसा ही बोलेगा, इसलिए अक्सर रटने वाले बच्चों को तो की तुलना रट्टू तोता कहकर तोते से की जाती है। तो कि तोते की तरह मैना भी मनुष्य की तरह थोड़ा थोड़ा बोल सकती है। हमारी लोक परंपरा में तोता मैना संवाद के रूप में खूब साहित्य लिखा गया है कि साहित्य में मोस्टली तोता मैने को मैना को स्थान दिया गया है। पक्षियों का वर्णन केवल साहित्य कहानियों लोकगीतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कहाँ तक है, कलाकारों ने भी पक्षियों की अपनी कलाओं में भरपूर स्थान दिया है। चाहे बिहार की मधुबनी हो, गुजरात की पारंपरिक बंधनवार हो, या मुरादाबाद की मीनाकारी या आदिवासी शिल्प, सभी जगह पक्षियों का बहुतायत से प्रयोग हुआ है, इसलिए पक्षियों का जगह जगह पर स्थान दिया गया है। अपनी खूबसूरती के कारण मोर तो सभी कलाकारों का प्रिय पक्षी है। अपनी अद्भुत सौंदर्य के कारण ही मोर हमारे राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाता है। ये तो आप जानते होंगे बच्चों कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। वर्षा ऋतु में जब काले काले बादलों को देखकर मोर खुश हो जाता है, तब वह अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। आपने देखा है जब सावन का जो महीना होता है, आसमान में काले काले बादल छाए रहते हैं और बारिश होती है, तो मोर क्या करता है, अपने पंख फैलाकर मस्त होकर नाचने लगता है। नाचते ही मोर की सुंदरता देखने योग्य होती है। मोर के पंख इतने खूबसूरत होते हैं कि कई बार लोग क्या करते हैं, कई बार लोग उनके पंख लेने के चक्कर में उनको मार देते हैं। पंखों को पाने के लिए उन्हें पकड़ते हैं। मोर को पकड़ना नियमों के कानून के नियमों के अनुसार वर्जित है, क्योंकि यदि हम मोर को पकड़ेंगे या मोर को मार देंगे तो एक दंडनीय अपराध है, क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए ना तो हम उसको पकड़ सकते हैं ना ही उसको मार सकते हैं। उसको पकड़ना नियमों के अनुसार वर्जित है, यानी कि मना है। पक्षियों के प्रकृति द्वारा बनाई उड़ने की एक आदर्श मशीन कहा जा सकता है। इनके पंखों और हड्डियों की रचना इस प्रकार से है कि यह आसानी से उड़ सकते हैं। पक्षियों के शरीर में हड्डियां अन्य जानवरों से काफी कम तथा हल्की होती है, इसी कारण वे आसमान में उड़ पाते हैं, जिसके कारण उन्हें उड़ने में आसानी होती है। पक्षी जब उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाते हैं तो हवा हटने के कारण हवा में दबाव वाले दो छिद्र बन जाते हैं और अधिक दबाव के छिद्र से कम दबाव के क्षेत्र में उड़ना आसान हो जाता है। समझ में आया कि पक्षी किस प्रकार उड़ पाते हैं। उनके एक तो शरीर में हड्डियां कम होती हैं और वो हल्की होती है, उससे क्या होता है, पक्षियों को उड़ने में आसानी रहती है। जब पक्षी क्या होते हैं, अपने पंख फड़फड़ाते हैं तो वहां से हवा हटती है और हवा का दबाव बनता है, तो दो क्षेत्र बन जाते हैं, एक अधिक दबाव के क्षेत्र में और एक कम दबाव के क्षेत्र में उड़ना उनके लिए आसान हो जाता है। पक्षियों की देख सकने की क्षमता भी मनुष्य से 8 गुना ज्यादा होती है, इसी प्रकार इनकी सुनने की शक्ति भी अधिक होती है। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखने वाली है कि जो पक्षी हैं उनकी जो देख सकने की या सुनने की जो क्षमता है वह मनुष्य से कितनी ज्यादा होती है, 8 गुना ज्यादा होती है। पक्षी हमारे जीवन में अतरंगता से जुड़े हैं। पक्षियों की हमसे इतनी घनिष्ठता है कि हम उनकी विशेषताओं से अपने आप को जोड़ लेते हैं। सुंदर नृत्य की तुलना हम मोर के नृत्य से या सुरीले कंठ की तुलना हम कोयल से करने लगते हैं। यही कारण है कि मुहावरों, लोकोक्तियों, कहावतों, गीतों, कथाओं और पहेलियों सभी जगह पक्षियों का भरपूर उल्लेख है। सभी जगह पक्षियों को लिया गया है, उनसे कोई ना कोई चीजें जुड़ी हुई हैं, उनसे कुछ ना कुछ कहानियाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनसे जुड़ा हुआ है। पक्षी कीट पतंगों से फसल की रक्षा कर मानव का कल्याण भी करते हैं। पक्षियों के कारण प्रकृति में संतुलन बना रहता है, वरना कीट पतंगों और चूहे के द्वारा समूची फसल नष्ट हो जाए। अब ये पक्षी क्या करते हैं, जो फसल में जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको ये खा जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारी फसल सेफ रहती है। जब फसल कटती है तो परंपरा के रूप में चिड़ियों के हिस्से का दाना अलग निकाल कर रखा जाता है। प्राचीन काल से प्रथा चली आ रही है कि जो किसान लोग होते हैं वो जब उनकी फसल पक जाती है और निकल जाती है तो उसके बाद वो चिड़ियों के हिस्सा के लिए हिस्सा अलग से निकाल के रख देते हैं और उनको वो डेली नियमित रूप से उनको डालते रहते हैं।
ऐसा इसलिए माना जाता है, किसान लोग मानते हैं कि ये जो पक्षी हैं वह उनकी फसल की रक्षा करते हैं। जैसा कि इस लोकगीत में कहा गया है, चिड़ियों का भाग निकाल रे आई फसल घर, जो गेहूं अरहर दाता हुआ दयाल रे, चिड़ियों का भाग निकाल रे। ठीक है बच्चों, आपका पाठ ही समाप्त हो जाता है। आपने देखा कि किस प्रकार पक्षी हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है अटूट, ना टूटने वाला। फिर है परिचित, जाना पहचाना। प्रतीक्षा, इंतजार। क्षमता, योग्यता। वर्जित, मना। घनिष्ठता, गहरी दोस्ती। उल्लेख, वर्णन। कौतूहलता, उत्सुकता। कर्कश, कड़वी। आवाज, महसूस। बहुतायत, अधिकता। अतरंगता, गहराई। कंठ, गला। समूची, सारी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके शब्दार्थ थे। आपका जो वर्क है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ के जरिए आएगा। आपको उसको अपनी कॉपी में सुंदर और स्ट्रक्चर राइटिंग में करना है, साथ के साथ उस वर्क को याद भी करना है। धन्यवाद।